प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को पंजाब के बठिंडा में थे, जहां पर उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को गुरु मंत्र भी दिए। पीएम ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसानों से फसल को न जलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पराली न जलाए बल्कि खाद बनाकर खेतों में डाले, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। पीएम मोदी ने कहा कि किसान फसल काटने के बाद फसल का अंश जला देते थे, लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि खेत से निकलने वाला बाई प्रोडक्ट यानी परारी धरती माता की उत्तम खुराक है। मैं आज किसानों से एक बात आग्रह से करना चाहता हूं। कोई ये तो कहेगा कि मोदी को राजनीति आती नहीं है, चुनाव सामने है और किसानों को ऐसी सलाह देता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मुझे चुनाव के गणित से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे किसान का भला हो, यही मेरा हिसाब किताब है। आप मुझे बताइए मेरे किसान भाइयों बहनों, आज से पहले जब हमें पूरा ज्ञान नहीं था, खेतों में फसल काटने के बाद हमारी जो परारी रहती थी उसको हम जला देते थे। तब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमको लगता था कि इसके कारण खेत बर्बाद हो रहा है, जला दो। कभी जल्दबाजी रहती थी इसलिए जला दो। लेकिन अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जिस खेत में जो फसल होती है उसकी फसल काटने के बाद जो वेस्टेज निकलता है, परारी कहें कुछ भी कहें, वो उस खेत में जो धरती माता है उसका उत्तम से उत्तम खुराक होता है। अगर उसी को एक बार मशीन घुमा दे, ट्रैक्टर घुमा दे, जमीन में गाड़ दे, तो आप ही के खेत की वो धरती माता की अच्छे से अच्छी खुराक होती है। मेरे किसान भाइयों बहनों, जैसे धरती माँ को पानी की प्यास लगती है, वैसे धरती माँ को भूख भी लगती है, उसको खाना भी चाहिए। ये परारी अगर उसके पेट में फिर से डाल दोगे तो ये धरती माँ आपको आशीर्वाद देती है, उससे 10 गुना आशीर्वाद देगी और आपका खेत फले फूलेगा भाइयों बहनों। और इसलिए इसको जलाओ मत, ये आपकी संपत्ति है, अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति मत जलाओ। और मैं सिर्फ पर्यावरण के नाम पर बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो सीधा सीधा किसान की भलाई की बातें करने वाला हूं। और इसलिए पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी राजस्थान हो, हम ये परारी न जलाएं। और अब तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, ये वेस्टेज में से इथेनॉल बनने की संभावनाएं सामने नजर आ रही है। भारत सरकार उस पर बड़ा तेजी से काम कर रही है। आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को उसका लाभ मिलेगा और जब लाभ मिलेगा तो परारी से भी पैसा आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज से संकल्प करो, हमारी धरती माता का हक का जो खाना है उसको हम जला नहीं देंगे, उसको उसी जमीन में गाड़ देंगे, वो खाद बन जाएगा, माँ का पेट भी भरेगा, उत्तम फसल भी होगी जो देश का भी पेट भरेगा। और इसलिए मैं आपसे आज आग्रह कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर वेस्टेज पर भारत सरकार तेजी से काम कर रही है और इस पर परारी से भी आने वाले दिनों में आपको पैसा मिलेगा।